नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उस पर पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म, 31 दिसंबर तक पूरी होगी सीट शेयरिंग। कांग्रेस ने बनाई 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति। संसद से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन ने बिहार में भी सियासत को किया तेज। शाहरुख की फिल्म डंकी को सेंसर बोर्ड ने दी स्टैंडिंग ओवेशन। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क। अब खबरें विस्तार से। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में खत्म हो गई। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2-3 घंटे तक हमने विचार विमर्श किया और रणनीति पर सहमति व्यक्त की। 141 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और हमने निंदा की है और एक प्रस्ताव पारित किया है कि यह अलोकतांत्रिक है। बैठक में टीएमसी ने इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों के साथ मिलकर सभी सीटों के बंटवारे पर बातचीत को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा तय की है। इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय गठबंधन समिति गठित की है। इसमें 5 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इस कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है। मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में विपक्षी दलों ने मंगलवार को खूब हंगामा किया। संसद की सुरक्षा में सेंध पर चर्चा कराने और सरकार से बयान की मांग पर नारेबाजी और तख्तियां दिखा रहे लोकसभा और राज्यसभा के 78 विपक्षी सांसदों को एक दिन में ही सस्पेंड कर दिया गया। मंगलवार को भी 41 सांसद सस्पेंड किए गए। इस सत्र में दोनों सदनों में अब तक विपक्ष के कुल 141 सदस्यों को सस्पेंड किया जा चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। देश की संसद से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन ने बिहार में भी सियासत तेज कर दी है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एक ओर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सवाल दागे हैं, वहीं भाजपा ने भी हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि विपक्ष के जो सदस्य हैं वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जो इस सदन के सदस्य भी हैं, वो आकर संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर सरकार का पक्ष रखें। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पटना में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर की आलोचना की है। नित्यानंद राय ने कहा है कि देश की बात मत करो, नीतीश कुमार को बिहार की जनता ही खारिज कर देगी। ऐसे में जेडीयू कोई भी पोस्टर लगाए कोई फायदा नहीं होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ बिहार के सियासी दलों ने मोर्चा खोल दिया है और हल्ला बोलते हुए शिकायत लेकर राजभवन पहुंचे हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग की। राजभवन पहुंचे इन नेताओं ने एक सुर में कहा है कि उनके फैसले से लगातार शिक्षा जगत को नुकसान पहुंच रहा है। सभी MLC ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। अब खबरें झारखंड की। झारखंड विधानसभा से भाजपा के 3 विधायकों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि भाजपा विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे और सदन की कार्रवाई में व्यवधान पैदा कर रहे थे। बता दें कि झारखंड विधानसभा में ये कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब लोकसभा में हंगामा करने के आरोप में विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते में 8वीं बार बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के पदाधिकारियों, मुख्य सचेतक, उप सचेतक और सचेतकों के वेतन भत्ते में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। ये माना जा रहा है कि जब राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा तो सभी विधायकों के वेतन भत्ते में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब खबर मनोरंजन जगत की। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तक लगभग 1,44,186 टिकट पहले ही बेचे जा चुके हैं। बीते दिनों सेंसर बोर्ड के लिए मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। अब खबर खेल जगत की। IPL 2024 मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तूफान मचा दिया है। उन्होंने IPL इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
नीलामी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने इतिहास रचा और 20 करोड़ रुपए में बिकने वाले सबसे महंगे प्लेयर बने। उन्हें सनराइज हैदराबाद ने खरीदा, मगर उनका ये रिकॉर्ड भी घंटे भर में टूट गया। ये रिकॉर्ड स्टार्क ने तोड़ा और अब वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। अब बात मौसम के मिजाज की। आज बिहार के कई शहरों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह शाम और रात को बर्फीली पछुआ हवा के कारण लोगों को ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में धूप खिल जाती है, जिसकी वजह से अभी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। इसके साथ ही अभी तक कोहरे ने भी कहर बरपाना शुरू नहीं किया है। वहीं मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक घना कोहरा पड़ना नहीं शुरू होगा, तब तक बिहार में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।